गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एकेडमी क्लास 9 10 10 क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इफ cos a अपॉन cos b इक्वल टू m एंड cos a अपॉन sin b इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल एंड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एम इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, कोस ए अपॉन कोस बी, एन इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस ए अपॉन साइन बी। अगर मैं इसका एम स्क्वायर कर दूं तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, कोस ए अपॉन कोस बी का होल स्क्वायर, और एन का स्क्वायर कर दूं मैं यहां तो यहां क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगी मेरे पास, एम स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी, ये हमारे पास वैल्यू। और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एन स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर बोले तो ये वाला हमें आर एच एस बताना है, ये आर एच एस है हमारा। ठीक है, तो एल एच एस लेते हैं, ठीक है, LHS लेते हैं। LHS हमारा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर b। ठीक है, m स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ, m स्क्वायर ये रहा cos स्क्वायर b अपॉन a, सॉरी cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी, यही होगा। ठीक है, मैंने एम और एन दोनों की वैल्यू क्या रख दी है, इसमें पुट कर दी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू मैंने यहां पुट किया है। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लो, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। ठीक है, नीचे क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर बी। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिल गए। ठीक है, अब देखो ये कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी अपॉन क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ कोस स्क्वायर ए है तो कॉमन ले लूं मैं, कोस स्क्वायर ए कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर बी, यहाँ क्या बचा प्लस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या इसे बोल दो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या होगा, वन होगा। तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू वन, ठीक है। देन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई वन, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, ठीक है। अब कोस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये आ गया। आरएचएस एन स्क्वायर क्या दे रखा है, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर की वैल्यू ये रही, एन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, क्या इसको हम एन स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, एन स्क्वायर की वैल्यू यही है ना, तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, प्रूव हो गया। एक बार वापस रिपीट करते हैं इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, एम की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, एम एन की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। एम स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, तो हमें दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी हमारे पास एम स्क्वायर की वैल्यू आई। देन एन स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी गई होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी हमारा एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल एच एस से आर एच एस प्रूव करना है, तो ये वाला एल एच एस हम लेते हैं, टेक द एल एच एस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, तो एम स्क्वायर की वैल्यू ये रही हमारे पास, एन स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कोस स्क्वायर बी से, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास से आया ऊपर साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, नीचे साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई में है कट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये वाली साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। आपको पता है कोस स्क्वायर ए यहाँ भी है, कोस स्क्वायर ए यहाँ भी है, ठीक है, कॉमन ले लिए कोस स्क्वायर ए, तो अंदर में तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, बी को थीटा बोल दो या बी बोल दो ए के बाद, तो साइन और कोस का जो स्क्वायर में अगर ऐड करते हैं ना सेम थीटा में सेम एंगल में, तो क्या होता है हमारा वन, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू वन, तो वन की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई वन, तो हमारा क्या मिला हमें कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी क्या है एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर हमने यहाँ पुट कर दिया, तो एल एच एस से आर एच एस हमारा क्या हुआ प्रूव हुआ, ठीक है।